हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक और रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं साइड में, 5 लेयर रैक है ये एक, जिसका प्राइस है 863। पर मैंने इसको प्रीपेड ऑर्डर किया तो ये मुझे 820 की पड़ी। और सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है इसलिए मेरी आवाज़ सही से नहीं निकल रही है। तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। सो कमिंग बैक टू वीडियो, तो मैं इसकी क्वालिटी की अगर बात करूँ तो क्वालिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई इसकी। जैसा फ़ोटो में दिखाया गया है, शाइनी प्लास्टिक दिखाई गई है, लेकिन ये एकदम मैट फिनिशिंग की प्लास्टिक है, जो स्टेबल भी नहीं है, बहुत लाइट वेटेड है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी इसको आपको। लेकिन अगर आप इसको एक जगह रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं सामान, तो काफ़ी हद तक ठीक है ये, लेकिन इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो मैंने इसको अभी फ़िलहाल के लिए रख लिया है, क्योंकि मुझे अर्जेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत सारा सामान इधर उधर, खास करके मेरी बेटी का स्कूल का सामान जो स्टोर करके मुझे रखना था। तो इसकी जो ये मैंने रैक फिट कर दी है, इसको असेंबल कर लिया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसकी रैक्स जो हैं। वो पीछे से एक लॉक होता है, जो ताकि हम उसको रैक को खोले तो वो लॉक में बाहर नहीं निकले, लॉक में होल्ड कर ले उसे वो लॉक। लेकिन ये ऐसे बार बार फिसले जा रही है, और अभी तो ये खाली है, जब इसमें सामान आएगा तो हैवी होगी, तो वो लॉक थोड़ा भी जो 20% होल्ड है वो भी नहीं होगा इसमें। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। बाकी कम प्राइस में है, काफ़ी सामान स्टोर हो गया इसमें, बहुत सारा काफ़ी सामान स्टोर हुआ है ये तो मैं बोलूँगी। और लेंथ भी इसकी आप देख रहे हैं, मेरी वेस्ट लाइन तक ये आ रही है रैक। और ये देखिए, मैंने खिसकाया तो इसकी पाइप जो है वो निकल गया। तो ये मतलब इसका जो असेंबल करने के जो होल्स और होल्ड हैं वो भी अच्छा नहीं है, तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगी। ये बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप स्टेबल एक जगह रखना चाहते हैं सामान रख के, तो अच्छी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट।